गर्म नगरी कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, जहां गर्मी के बढ़ते ही लोगों को दूषित पानी की सप्लाई का खतरा सताने लगा है। इसी को देखते हुए कुरुक्षेत्र में जनस्वास्थ्य विभाग ने उत्तर भारत की पहली अत्याधुनिक जल जांच लैब बनाई, जिसमें हर तरह के पानी के सैंपलों की जांच होगी। जैसे जैसे गर्मी के मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए, वैसे वैसे लोगों को घर में दूषित पानी की सप्लाई का खतरा सताने लगा है। वहीं दूसरी ओर गर्मी के बढ़ते तेवरों के साथ ही जनस्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली। इस बात के संकेत कुरुक्षेत्र जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता अशोक खंडूजा ने दिए। इस मौसम में दूषित पानी के कारण ज्यादा रोग फैलते हैं, ऐसे में जनस्वास्थ्य विभाग की जलापूर्ति को भी सतर्क कर दिया गया। प्लांट है, इसके केमिकल तैयार करने के लिए और सारे उसके लिए डिस्टिल वाटर यूज होता है, इसके लिए इसको तैयार करना होता है। दूसरा बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, जिसमें कि बैक्टीरिया देखे होते हैं, अभी बैक्टीरिया पानी के अंदर कितने हैं, कितनी क्वांटिटी में है। वैसे तो हमारे ट्यूबवेल से पब्लिक हेल्थ के जितने भी ट्यूबवेल हैं, सभी से हाइड्रोक्लोराइड चलती है दवाई, जो कि बैक्टीरिया खत्म करने के लिए काम करती है। अगर रास्ते में कहीं कुछ थोड़ी बहुत लीकेज भी है, वो भी बैक्टीरिया उसको बैक्टीरिया खत्म कर देती है हाइड्रोक्लोराइड, जो कि सोर्स पे 1 ppm और लास्ट पॉइंट पे 0.2 ppm होनी चाहिए। एक तो हमने अपने ऑफिस को एक नवीनीकरण दिया, एक नया स्वरूप दिया है। पहले जैसे यहाँ पे पुराने तरह का सिस्टम था सभी, और अब हमने नए सिस्टम से अंदर प्रॉपर रेनोवेट करके एक अच्छा माहौल क्रिएट किया अपने स्टाफ के लिए, ताकि उनकी एफिशिएंसी भी बड़े काम करने की। हमने जैसे प्रॉपर बाहर भी जितना बरसात का पानी आता है, एक रिचार्ज वेल बनाया थ्रू अंडरग्राउंड पाइप के थ्रू, हमारा रिचार्ज वेल में जा रहा पानी, ताकि कोई वेस्ट, एक तो रिचार्ज हो जाएगा पानी और सड़क पे वेस्ट वाटर नहीं होगा। और साथ ही हमने एक अपनी लैब का भी नवीनीकरण किया है, और एक अपने आप में एक बहुत, हम तो दावे से कह सकते हैं कि काफ़ी सुंदर लैब है ये, और इसमें हर तरह की फैसिलिटी इन्वॉल्व है। इसमें जैसे केमिकल बैक्टेरियोलॉजिकल तरह के टेस्ट होते हैं। 6000 का हमारा टारगेट था पूरे डिस्ट्रिक्ट का सैंपल टेस्ट करने का, उसके अगेंस्ट हमने लास्ट के फाइनेंशियल ईयर में 8800 सैंपल, कहीं जो टारगेट था उससे भी ज़्यादा हमने सैंपल टेस्ट किए हैं। और लैब भी अपने आप की एक बहुत सुंदर लैब बनी है, आप देख भी सकते हैं। और अंदर जैसे करने का अच्छे इंस्ट्रूमेंट है टेस्ट करने के लिए, और हम जैसे प्री मानसून और पोस्ट मानसून हम केमिकल टेस्ट करते हैं हर सोर्स का, और उसमें हमारे ये आर्सेनिक टेस्ट, हैवी मेटल टेस्ट वगैरह ये सभी आ जाते हैं। जो बैक्टेरियोलॉजिकल टेस्ट हैं, ये हम किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह, कहीं से भी ले सकते हैं, पूरे विलेजेस में, चाहे गांव में, चाहे हमारे ये अपना अर्बन एरियाज में है। और इसमें साथ साथ हमें हॉस्पिटल वाले हेल्थ डिपार्टमेंट से भी सैंपल आते हैं, कुछ सैंपल हमारे को प्राइवेट भी आते हैं, स्कूलों वाले भी लाते हैं, कॉलेजेस से भी आते हैं। कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार के जनस्वास्थ्य विभाग की लैब पूरे उत्तर भारत में सबसे अत्याधुनिक लैब है। विभाग के जानकारी के अनुसार इस लैब में पीने के पानी के सैंपलों की जांच मिनटों में ही कर दी जाती है। कुरुक्षेत्र से सुनील कुमार की रिपोर्ट।